पाकिस्तान सुपर लीग के पहले तीन एडिशंस में मरूफ गुलुकार अली जफर गुलुकारी के फन दिखाते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे एडिशंस में अली जफर हमें पीएसएल के एंथम सॉन्ग में कहीं नज़र नहीं आए। क्या अली जफर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया मुआहदा करने में नाकाम रही? क्या अली जफर को मिशा शफी के मुतनाज़ा बयान पर पीएसएल से निकाला गया और इसके साथ साथ पीएसएल 4 के एंथम सॉन्ग में इस्तेमाल हुए ऐसे अल्फाज जिन्हें आपने यकीनन सुनकर गौर नहीं किया होगा, और इसके अलावा पीएसएल के चौथे एंथम सॉन्ग की खसूसी और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री आज हम इस वीडियो में पेश करेंगे। नाज़रीन, पीएसएल के चौथे एडिशंस का आगाज़ हुआ चाहता है, लेकिन इससे पहले पीएसएल के चौथे एडिशंस के लिए हर बार की तरह इस दफ़ा भी एक नया तराना बनाया गया, लेकिन इस तराने में हैरानकुन बात यह थी कि पिछले तीन बार एंथम सॉन्ग के गुलुकार अली जफर की बजाय हमें फुआद खान इस सॉन्ग को परफॉर्म करते नज़र आए, और इसके साथ साथ यंग देसी और शुजा हैदर की भी हमें पीएसएल में एंट्री दिखाई दी। इस सॉन्ग में पहली बार पंजाबी में भी आपको चंद अल्फाज सुनने को मिलेंगे जिसको यंग देसी ने गाया है। इस सॉन्ग के पंजाबी अल्फाज में यंग देसी इख्तिताम में चंद ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, जैसा कि वो इख्तिताम में जेफरी और निंजा टर्टल के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। जेफरी लेवी अमेरिका के मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर हैं, जबकि निंजा टर्टल एक मशहूर कार्टून सीरीज है। इसके अलावा इस पर हॉलीवुड मूवीज भी बन चुकी हैं। तो ये वो अल्फाज जो कि देसी यंग ने इस्तेमाल किए। इससे पहले पीएसएल के सॉन्ग पाकिस्तान के मरूफ गुलुकार अली जफर गा चुके हैं। इस दफा हैरान कुन तौर पर फुआद खान हमें परफॉर्म करते हुए नजर आए, तो फैंस की तरफ से बहुत सारे सवाल आए कि अली जफर का कंट्रैक्ट खत्म हो गया या फिर मिशा शफी के मुतनाज़े और झूठे बयान की वजह से अली जफर को शामिल नहीं किया गया। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि अली जफर इस दफ़ा अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा मसरूफियत के बाइस पीएसएल में शिरकत नहीं कर सके। इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल के बारे में पहले ही पीसीबी की इंतजामिया को आगाह कर दिया था, लेकिन पीसीबी ने इस बात को सॉन्ग के रिलीज़ होने तक फैन से छुपाया और पीएसएल के सॉन्ग के रिलीज़ के दौरान कुछ इस तरह बताया कि इस दफ़ा कौन होगा पीएसएल 4 के एंथम का सिंगर। तो ये वो सारे डाउट्स थे जो कि फैंस अली जफर से मुतालिक पूछ रहे थे, और इसके अलावा इस सॉन्ग से मुतालिक भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स और इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिलती रहें। तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।